कश्मकश में रहता है, मैं बजाऊं ना बजाऊं, नहीं बजाता, वो मर जाता है। अच्छा। हार्ट अटैक वाला जब मर जाता है तो नर्स आती है, तो नर्स आगे कहती है कि वो जो है ना तुमने बेल क्यों नहीं बजाई, तो वो कहता है मैं वो बस उस वक्त मेरी भी बड़ा शदीद दर्द हो रहा था और ये था और मुझे नहीं अंदाजा था इतनी बुरी तबीयत, बहाने बना लेते। तो जब वो खैर उसका जब बाहर पदर मूव कर देती है जिसम, तो वो उसको कहता है कि नर्स सिस्टर मेरे काम तो करो क्या, तो वो कहता है कि वो कहती है कि मेरा ये जो है ये पलंग खींच के इस तरफ कर दो और मुझे तकिया गांव तकिया लगा के बिठा दो ऐसे एंगल से कि मैं बाहर देख सकूं। तो वो खैर उसके वो उसको जरा थोड़ा सा ऊंचा करके एलिवेट करके उसको बिठा देती है। जब सिस्टर चली जाती है तो बड़ी इश्तियाक से कहता है चलो मैं बाहर की चीजें देखूंगा और अब एंजॉय करूंगा, मुझे किसी की अब जरूरत नहीं होगी मदद की। अच्छा वो जब खिड़की खोलता है तो उसके बाद वो एक बैंग आता है, पता चलता है कि वो तो उसके पीछे तो दीवार थी, वो उसको कहानी सुनाया करता था, उसके पीछे ऊंची सी एक दीवार थी, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो उसको मंजरकशी की बेचारा उसका दिल बहलाने के लिए मंजरकशी। अच्छा इसी तरह की एक फिल्म थी मोहम्मद अली की और शायद उसमें अलबेला था, शायद निराला या निराला, हाँ ये वाली स्टोरी, यही स्टोरी स्टोरी जो आपने बोली ना। हाँ साहब की अदाकारी बड़ा जबरदस्त, मेरे तो खैर छोटा सा कैरेक्टर था उसमें डॉक्टर का, लेकिन ये है कि बहुत मजेदार कहानी, मतलब रेडियो पे मुझे ऐसा लगता है कि ड्रामा करना टीवी की बनिस्बत ज्यादा मुश्किल है, बहुत मुश्किल, रेडियो पे हर काम करना ही मुश्किल है। देखिए रेडियो में आपको अपनी आवाज से वो तमाम तासुरा देने होते हैं जो चेहरे से आप नहीं दे पाते, आप अगर परेशान हैं तो आपकी आवाज से झलकना चाहिए, आप रो रहे हैं तो आप आपकी आपकी आवाज से महसूस होना चाहिए, आप खुश हैं तो आपकी आवाज में वो झलकियां आनी चाहिए, तो वो जाहिर है सब कुछ आपको आवाज से करना होता है। और आजकल रेडियो पे वो ड्रामा तो नहीं मेरे ख्याल से इतना ज्यादा होता। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो हमारे जो लोग सुन रहे हैं उनमें जो 40-45 से ऊपर लोग हैं वो इसका अंदाजा लगा सकेंगे कि एक जमाना होता था जैसे कराची से स्टूडियो नंबर 9 हुआ करता था, आप बिलीव करें कि स्टूडियो नंबर 9 के लिए औरतें पहले ही खाना पका लेती थी, ठीक है ना, और मर्द खाना खा के औरतें मर्द बच्चे सब रेडियो के इर्द गिर्द बैठ जाया करते थे और 9 से 10 बजे तक वो ड्रामा सुना जाता था उस तरह जिस तरह आजकल टीवी के ड्रामे देखते हैं। और आप यकीन मानिए मैं खुद उनमें शामिल था कि मुझे बिल्कुल ये लगता था कि आप अपनी आंखों से देख रहे हैं सब कुछ, वो साउंड इफेक्ट्स होते थे बाकायदा उसके लिए बंदे होते थे, तो साउंड इफेक्ट्स अदाकारी ऐसा कमाल की अदाकारी होती थी कि आप एक मिनट हिल नहीं सकते थे आप। अच्छा किसी को मारना है तो यकीनन कोई गद्दी वद्दी रखी होगी, कोई ऐसी चीज की पता चले पिटाई हो रही है, और पांव की चाप की आवाज उस वो पूरे फेंक देने सब हम ही करते थे, मतलब ये क्या है, मैंने भी जाहिर है 2-3 ड्रामे फुल फ्लेज किए, तो आपने कद्दू की चाप को देनी है, ठीक है ना जी, अच्छा दूर से बोल रहे हैं तो आप जाहिर है आपको माइक डिस्टेंस होना चाहिए कि आप किधर मुंह करके बोलेंगे, तो वो सारा माइक का खेल होता है बस। और बाकी आपको वो अपनी आवाज से एक्सप्रेशन देने आते हैं। जी हाँ बिल्कुल, बहुत और वह मुश्किल, बहरहाल ये कोई आसान काम नहीं है, वरना तो हर कोई रेडियो के ड्रामा कर रहा होता। हाँ मैंने 4-5 ड्रामे किए, जैसे मैंने कहा मुझे कोई इतना शौक नहीं था ड्रामों का, लेकिन 4-5 ड्रामे किए, उनमें से 2 बहुत मशहूर हुए, एक में मेरे साथ रेहाना सिद्दीकी थी, आपने नाम सुना होगा। जी जी बिल्कुल सुना है, आरफा सिद्दीकी, आरफा सिद्दीकी की उनकी बड़ी बहन, उनका नाम था रास्ता वीरान बाग, ये हमीद साहब का लिखा हुआ था, बड़े मशहूर राइटर, और जाहिर है मैंने हीरो का किरदार उसमें अदा किया था, और एक था मेरा अपना लिखा हुआ काजल से खफा आंखें, अच्छा वो एक हमारे दोस्त थे खफा आंखें, खफा आंखें, अच्छा ठीक है, बड़ी डेप्थ है इसमें वैसे भाई। वो ड्रामा ऐसा था मैं आपको बताऊं, वो लाहौर में था, रिकॉर्ड हुआ था कि वो 12 स्टेशन से, उस जमाने में कोई 14 स्टेशन होते थे, उनमें से 12 से वो ब्रॉडकास्ट हुआ था, बहुत ही जबरदस्त उसकी कहानी थी, बहुत खूबसूरत ड्रामा था ये, हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट तो अपने प्रोग्राम में वो कहानी सुनेंगे। हाँ मैं उसका मैं आपको बताऊं, मैंने रेडियो पर रेडियो पाकिस्तान में बाकी तो होती होंगी बाहर, गीतों भरी कहानी डायलॉग के साथ मैंने इजाद की थी, गीतों भरी कहानी पहले भी होती थी,
मैंने लाहौर में कहा अपने साथी प्रोड्यूसर को कि यार इसमें डायलॉग अगर डाल दिए जाए तो क्या बुरा हो, कहता है यार बड़ा अच्छा आइडिया है। तो हम ये करते थे कि नैरेशन के साथ साथ डायलॉग पंच कर देते थे जहां जहां ड्रामेटिक सीन आते थे, वो इतनी पॉपुलर हुई, मैंने बहुत गीतों पर गानियां बहुत लिखी और बहुत प्रोड्यूस की। तो ये जो डायलॉग्स हुआ करते थे ये वो सेम वही से जो तो फिल्म में बोले थे या अलग से? नहीं नहीं मतलब वो नहीं नहीं फिल्मों का कोई डायलॉग नहीं, वो तो गीतों पर कहानी की जो कहानी के मुताबिक जो हीरो हीरोइन होते थे ना, जैसे वो बातें कर रहे हैं। हाँ, वो डायलॉग ये कह रहे हैं कि जी हाँ कि शायद और रुबीना जो है वो एक हिल स्टेशन पर पहुंचे, ठीक है जी, वहाँ शायद शाम को जब घर आया तो रुबीना बड़ी उदास बैठी थी, उसने रुबीना से पूछा, अब पूछा हमने कट करके कहा कि वो उसको कह रहा है क्या हुआ तुम्हें क्यों रो रही हो, ठीक है ना, मतलब इस तरीके से ठीक। और प्रोग्राम का वक्त भी अब इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गया है, जाहिर है कब तक नहीं होगा। और हमारे सुनने वालों के लिए ये मैसेज हमारी तरफ से है कि जो नंबर पोस्ट पर आपको दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे अपनी कोई भी बात कुछ भी हमें कोई सजेशन देना चाह रहे हैं, कोई बात है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, जरूर कुछ सवाल पूछे हैं। हाँ बिल्कुल, तो इंशाल्लाह ताला आप नेक्स्ट एपिसोड के साथ के बारे में सवाल जरूर पूछिएगा। बस कर दे, मैं वैसी अनाड़ी हूँ, ऐसी थोड़ी मैंने आप और क्या। तो ठीक है, फिर हम इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो अगली किस्त के